हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। आज हम सीखने वाले हैं रिएक्ट में एरर हैंडलिंग। जहाँ पे मैंने एक टॉपिक स्किप किया था, मैंने बोला था लास्ट में करेंगे। कंपोनेंट्स के बीच क्लास कंपोनेंट है, इसी को आज हम साथ में कवर करने वाले हैं, क्योंकि ज्यादातर जो है एरर हैंडलिंग की जाती है वो क्लास कंपोनेंट के साथ ही यूज करते हैं इसको। आज का हमारा टॉपिक है लास्ट टॉपिक एरर हैंडलिंग। ऐसा नहीं है कि आज ही हम इस पे काम कर रहे हैं, जब से हमने रिएक्ट स्टार्ट की है तब से हम एरर्स के एक साथ काम कर रहे हैं, बस इसको हमने डीपली कभी देखा नहीं। तो आपको यहाँ पर पता होना चाहिए डिबगिंग कैसे की जाती है। जब तक आपको एरर को ढूंढना नहीं आता, एरर को सॉल्व करना नहीं आता, तब तक आप प्रोजेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते। एरर तो आनी ही आनी है, बस उसको हैंडल करना पड़ता है। उसके बाद है हैंडलिंग एरर इवेंट के बीच। एरर को कैसे हैंडल किया जाता है, एरर बाउंड्रीज क्या होती है, ये हम देखेंगे। सबसे पहले हम जहाँ से स्टार्ट करेंगे एरर बाउंड्रीज के साथ, ये एक अलग से मेथड है कि ये वाला अलग है। दो टॉपिक डिबगिंग एंड एरर हैंडलिंग, ये वाला ये दो टॉपिक अलग है। एरर बाउंड्रीज क्या होता है जी अलग है। आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। सबसे पहले एरर बाउंड्रीज की बात करेंगे। इसको हम क्लास कंपोनेंट के साथ यूज करते हैं। ये होता क्या है, आपने एक बार कोड बना दिया एरर्स के लिए, उसको आप चाइल्ड कंपोनेंट में कभी भी यूज कर सकते हैं, किसी भी चाइल्ड कंपोनेंट में। प्रैक्टिकली आपको अच्छे से समझ आ जाएगी, बहुत ही ज्यादा मुश्किल नहीं है। इसका बस कोड बनाना स्टार्ट करते हैं, इम्पोर्ट कर लेते हैं रिएक्ट को, रिएक्ट। अब जहाँ पे बात आती है क्लास कंपोनेंट की, तो मैंने जहाँ पे जो टॉपिक स्किप किया था क्लास कंपोनेंट कैसे डिफाइन करते हैं, आज हम वो सीखने वाले हैं। आज तक हम फंक्शन कंपोनेंट के साथ काम करते आ रहे हैं, लेकिन आज हम जहाँ पे क्रिएट करेंगे क्लास कंपोनेंट। तो मैं जहाँ पे लिखूंगी क्लास, इसको एक्सटेंड किया जाता है हमेशा ही कहाँ से, तो मैं जहाँ पे लिखूंगी, एक क्लास का नाम देना होता है तो मैं जहाँ पे एरर नाम दे देती हूँ, ये नाम कुछ भी हो सकता है, एक्सटेंड किया जाता है कॉम्पोनेंट। यहाँ पे ऐसे क्लास डिफाइन की जाती है, ये जो कंपोनेंट है इसको हमने इंपोर्ट करना होता है। जो आपकी मर्जी है, अगर आप क्लास कंपोनेंट के साथ लगाना चाहते हैं आप ये वाला बाउंड्री वाला मेथड यूज कर सकते हैं, नहीं तो अगर आप बाकी जो मेथड है आज तक हम करती आ रही हैं वो हम देखेंगे, आप उनमें से कोई मेथड यूज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्लास के साथ हमेशा एक कंस्ट्रक्टर बनाया जाता है। अगर आपने ग्रेजुएशन में पढ़ा हो क्लास क्या होती है, तो यहाँ पर एक कंस्ट्रक्टर बनता है, इसको एक प्रॉप पास की जाती है कर्ली ब्रैकेट के बीच। इसके साथ एक सुपर कीवर्ड होता है। सुपर कीवर्ड का मतलब है कि मेरे पास जे वाला एक पेरेंट है, सुपर जहाँ पे लगा दे जे का पेरेंट होगा, बाकी सारे चाइल्ड होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सुपर लगा दिया, सुपर के बाद में जहाँ पे लिखूंगी दिस डॉट स्टेट, ये हो गया एक क्लास को डिफाइन करने का तरीका, ठीक है। क्लास हमारी डिफाइन होगी। अब जहाँ पे कुछ कीवर्ड ऐड करूंगी एरर हैंडलिंग के लिए, तो मैं जहाँ पे लिखूंगी हैज एरर, अगर एरर हुई पहले तो हम इसको फॉल्स कर देंगे, ये सब आपको आउटपुट में समझ आएगा। एरर यहाँ पे हम हटा देंगे, एरर बिल्कुल ब्लैंक रखनी है। सबसे पहले एरर की एक इन्फो होती है, वो भी जहाँ पे लिखूंगी इसको भी हम ब्लैंक रखेंगे। जिस तीन कीवर्ड है ऐसे ही लिखे जाते हैं, हैज एरर कीवर्ड है एक, एरर कीवर्ड है, एरर इन्फो एक कीवर्ड है, इनका इनके बीच ही एक अपना ही मीनिंग है, तो हम इसको चेंज नहीं कर सकते। दो ब्रैकेट जहाँ पे क्लास वाले खत्म, कंस्ट्रक्टर वाले खत्म हो गई। अब यहाँ पे लाइफ साइकिल की बात आती है, इसी को एक्सेप्ट कर लेना है। एक इसका लाइफ साइकिल होता है, तो इसका लाइफ साइकिल ये है कि पहले मैंने क्लास को डिफाइन कर दिया, उसके बाद एक दूसरा इसका कंटेंट क्रिएट किया जाता है। लाइफ साइकिल के पीछे दूसरा मेथड है कॉम्पोनेंट डिड कैच। हमेशा ही क्लास जब क्रिएट करते हैं इसका एक लाइफ साइकिल होता है, तो इसके बीच हमें जो स्टेप फॉलो करने पड़ते हैं। क्लास डिफाइन करने के बाद आपने डिड कैच लगाना होता है, कंपोनेंट डिड कैच एक बना बनाया कीवर्ड है, इसको आपने ऐसे ही लगाना है। ये जो हमारे पास है ये तभी यहाँ पे आनी है ऑब्जेक्ट, अगर आप एरर के साथ काम कर रहे हैं। ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, हम यहाँ पे यही लिखेंगे क्योंकि इसको हम एरर के साथ ही ज्यादा यूज करते हैं। पर कोई प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए हम फंक्शनल कॉम्पोनेंट यूज करते हैं, ठीक है। ये वाला का एरर मेरे पास ऑब्जेक्ट आएगा, ये वाला एक एरर इन्फो मुझे चाहिए, इसके बीच हम लिखेंगे दिस डॉट सेट कर दो स्टेट को, क्या स्टेट को सेट करेंगे। ये वाला जो हमने लिखा है ना डिड कैच क्या करेगा, ये एरर को कैच करेगा, चेक कर लेगा एरर किधर है, उस एरर की इंफॉर्मेशन हमें बता देगा पूरी की पूरी कि एक्चुअल एरर है किधर, तो ये हमें आउटपुट में दिखेगा। अब जहाँ पे सेट स्टेट को कर देंगे, जो जो भी हमने फॉल्स किया था हैज एरर को हम जहाँ पे ट्रू कर देंगे, ट्रू करेंगे तभी हमें एरर दिखेगी। जो एरर है उसको हम एरर को प्रिंट कर देंगे, पहले नल रखा था अब हम एरर मेंशन कर देंगे। जो एरर इन्फो है इसके अंदर एरर इन्फो वाला हम कीवर्ड लगा देंगे, तो जो भी एरर की इन्फॉर्मेशन एक्चुअल में होगी, जो हमारे पास एक एरर आएगी उसकी इन्फॉर्मेशन भी मुझे चाहिए कि एरर है क्या।
तो ये तो हो गया मेरे पास कोड एरर क्रिएट करने का। ये वाला जो ब्रैकेट बंद है इसके बाद आपने आना है। अब इसको रेंडर भी किया जाता है। रेंडर करना मतलब मुझे आउटपुट भी दिखनी चाहिए। तो मैं जहां पे लिखूंगी इफ दिस डॉट स्टेट, अगर तो एरर हुई, हैज एरर, अगर एरर हुई तभी ये वाला कोड दिखेगा हमें, नहीं तो नहीं दिखेगा। तो मुझे रिटर्न कर दे, रिटर्न मतलब सेम हमें आउटपुट दिखानी है। रिटर्न कर दे एक डिव के अंदर, H2 में हम लिख देते हैं समथिंग समथिंग वेंट रॉन्ग, मुझे ये वाला मैसेज ही नजर आना चाहिए। अब जहां तक तो हो गया हमारा कोड, इधर खत्म नहीं हुए हो जाता। हमने जो एरर इन्फो वगैरह लिखी हुई है ना, ये सब हम प्रिंट कराना पड़ेगा। ये तो मैसेज आपको दिखेगा कि हाँ ये वाला आपके पास कुछ ना कुछ एरर है, आपका कोड वर्क नहीं करा। साथ में डिटेल प्रिंट करानी है, तो डिटेल प्रिंट देखो कैसे कराते हैं। डिटेल्स में लिखूंगी जहाँ पे ये एक कीवर्ड है, ऐसे ही हम लिखेंगे। एक जहाँ पे ना एक एरो बनाती हूँ, आउटपुट में आपको समझ ही जाएंगे हमने ये क्यों लगाया है। स्टाइल इज इक्वल टू, इसका एक नाम होता है वाइट स्पेस। तो ये एक वाइट स्पेस है, इस पे मैं एक प्रॉपर्टी ऐड करूंगी प्री रैप की। इसको अभी आप भूल जाओ, क्योंकि जब आउटपुट आएगी आप सब कुछ समझ जाएंगे। और स्टाइल तो हो गया जहाँ पे, ठीक है। उसके बाद इसको हम एंटर कर देते हैं। ये वाला जो कोड है इसके बीच आपने लिखना है दिस डॉट स्टेट डॉट एरर जो भी होगी, एंड जहाँ पे लगेगा एंड दिस डॉट स्टेट डॉट एरर डॉट टू स्ट्रिंग। अब वहां पे मुझे एक स्ट्रिंग में मैसेज आएगा कि आपके पास जे वाली एरर है। जे पूरा कोड आपने पूरे प्रोजेक्ट में सिर्फ एक बार लगाना होता है, एक पेज पे। एक जहां पे मैं br टैग लगा देती हूँ तो जे नेक्स्ट लाइन में ले जाएगा। अब जहां पे हम लिखेंगे दिस डॉट स्टेट डॉट एरर इन्फो, अब जहाँ पे पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन होगी कि आपके पास क्या क्या है प्रॉब्लम, कहाँ से आएगी कंपोनेंट, ऐसे सेम लिखना है कंपोनेंट स्टैक। तो ये एक कीवर्ड है बना बनाया, ये एरर को होल्ड करके रखता है कि आपके पास एरर क्या है। ये है मेरे पास कोड। उसके बाद आपने आ जाने को और इसको हम रेंडर करेंगे। आना किधर है, ये वाला जो ब्रैकेट है ना इसके बाद आना है। इधर हम रिटर्न कर देंगे, ये क्या करेगा चिल्ड्रन कंपोनेंट में जाके इसको रिटर्न कर देगा। दिस डॉट जो भी हमने प्रॉप भेजी है, प्रॉप्स डॉट चिल्ड्रन, जितने भी मेरे पास चिल्ड्रन कंपोनेंट होगी, जिधर आपने एरर वाला कोड लगाया होगा, जब हम उधर इंपोर्ट करेंगे तो अपने आप ये पूरी वर्किंग आ जाएगी। तो अब हम जहाँ पे देख लेते हैं एरर क्या है मेरे पास, ये वाली ब्रैकेट हो गई जहाँ पे खत्म, सारी ब्रैकेट, एक ब्रैकेट का इशू है जहाँ पे ब्रैकेट इधर आती है, बैक स्लैश यहाँ पे होती है। इसके बाद इसको हम सेव कर देते हैं। अभी ये हमारा कोड कंप्लीट हो चुका है। कोई भी एरर फाइंड करने के लिए ये होता है एक कोड। अब आपने एक नया कंपोनेंट क्रिएट करना है। ये कंपोनेंट वो होता है कि आपने आउटपुट चित्र दिखानी है, मतलब आपका पूरा प्रोजेक्ट, पूरे का पूरा जो भी प्रोजेक्ट होगा ना वही है जी। मैं एक फ्रंट एंड डिजाइन करने वाली हूँ। इंपोर्ट कर लेते हैं रिएक्ट को, एक छोटा सा बटन या क्रिएट कर देते हैं फ्रॉम रिएक्ट। इसका नाम हम रख देते हैं एक फंक्शन क्लिक, क्लिक नाम इसका रख रही हूँ मैं। इसके अंदर कॉन्स्ट नाम का एक और बना देते हैं, हैंडल करना है क्लिक को। जब कोई बंदा इस पे क्लिक करेगा तो कुछ ना कुछ परफॉर्म होगा। ये आपने सोचना कि ये हमने क्यों लगाया है, क्लिक का कोई काम नहीं है, तो हमने देखना भी है कि एरर किधर है। तो आपका जो भी प्रोजेक्ट होगा ना, पूरे प्रोजेक्ट में ये एरर आपको दिखेगी। एक हम बटन क्रिएट कर देते हैं, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ क्लिक, और इस पे एक ऑन क्लिक बना देते हैं। ऑन क्लिक इज इक्वल टू जो हमने हैंडल क्लिक बनाया है उसको बस यहाँ पे लिख लो, हैंडल क्लिक, ठीक है। और जहाँ पे मैं लिख देती हूँ H1, इसके अंदर क्या लिखेंगे वो हम बाद में देखेंगे। ऐप डॉट जी एस में आपको इसको रेंडर करना आना चाहिए, आपने इम्पोर्ट भी करना है। यहाँ पे आके इसको पेस्ट कर देते हैं, और यहाँ पे इसका नाम हम ऐप रख देते हैं। इसको भी एक्सपोर्ट करना है हमने, एक्सपोर्ट कर लो डिफॉल्ट ऐप को, नहीं ऐप नहीं क्लिक है। तो ये हो गया हमारे पास क्लिक एक्सपोर्ट। सेम ऐसे ही ऐप वाले पेज पे जाना है आपने, इसको भी एक्सपोर्ट कर लो डिफॉल्ट। आपने पूरे का पूरा जो कोड है आपका, पूरे का पूरा एरर वाला कोड आपने इंपोर्ट करना होता है अपने ऐप डॉट जीएस मेन पेज पे। अब ये क्लिक वाला जो है इसको आप भूल जाओ, हमने क्यों लगाया है, ये फ्रंट एंड है बस।
app.js में आपने आना है, इंपोर्ट करना है। पहले आपने सारे के सारे जितने भी आपके प्रोजेक्ट के बीच कंपोनेंट है उसको इंपोर्ट कर लेते हैं। मेरे पास एक ही कंपोनेंट मैंने क्रिएट किया है क्लिक नाम का, मैं इसको इंपोर्ट कर देती हूँ और इसको हम इंपोर्ट करेंगे यहाँ पे। इधर मैं लिखूंगी क्लिक, तो ये इंपोर्ट हो जाएगा। ठीक है, एक बार इसको रिफ्रेश करके चेक कर लेते हैं आउटपुट में। अब हमारे पास यहाँ पर आना चाहिए क्लिक वाले पे जो भी हमने लगाया है, जे फंक्शन वगैरह लिखे हुए हैं, जे एक बटन हो गया जे नजर आना चाहिए, और H1 में हेलो वगैरह लिख देते हैं, ये हमें नजर आना चाहिए यहाँ पे। और ये हमें नजर नहीं आ रहा क्यों, हैंडल क्लिक क्योंकि यहाँ पर है, इसका कोई काम नहीं है। बस इतना ही होता है हमारे पास app.js में। और हमने इसको रिटर्न कर दिया क्लिक वाले को, ये भी सेम है, इसको हमने एक्सपोर्ट भी कर दिया है। अब तो जहाँ पे आउटपुट आ जानी चाहिए हमारे पास, जहाँ पे क्लिक वाले पे चलते हैं, ये वाला जो हैंडल वाला है इसकी ब्रैकेट जहाँ पे खत्म करनी है मैंने जहाँ पे लिख दी, इसलिए वो हमें आउटपुट नहीं नजर आ रही। हैंडल क्लिक वाला हो गया, इसको रिफ्रेश कर देते हैं, यहाँ पे आ गया मेरे पास। यहाँ पे क्लिक कर रहा है कुछ ना कुछ परफॉर्म होगा। जो आपके पास मान लो आपका प्रोजेक्ट है, जो भी आप कोई भी वेबसाइट क्रिएट कर रहे हैं जहाँ पे है, अब इसके बीच हमने जे वाला कोड लगाना है ताकि किसी भी कोड में आपके पास एरर आए तो आपको दिख जाए। दिखने का मतलब है हमें यहाँ पर मेरे वेब ब्राउजर पे दिखनी चाहिए। क्या हम करेंगे, आपने जाने app.js पेज पे, इधर ना मैं एक एरर क्रिएट कर देती हूँ, मैं जहाँ पे लिखूंगी ए, जे ए मैंने कहीं भी डिफाइन नहीं किया, बस मैंने इसको प्रिंट कर दिया, तो जे एक एरर आ गई। ये देखो मुझे जहाँ पे एरर दिख रही है, तो ये कोई इशू नहीं है कि हमें ऐसे ही एरर दिखती है, इसकी जो भी डिटेल वगैरह है वो हमें नहीं दिखेगी, इसको हम बंद कर देते हैं, यहाँ पे कुछ भी नहीं नजर आ रहा है। मैं चाहती हूँ मुझे यहाँ पर आउटपुट में एरर चाहिए, तो मैं क्या करूंगी, इम्पोर्ट बस कर लेना है आपने, app.js वाले पेज भी आपने इम्पोर्ट करना है, जो आपका मेन कॉम्पोनेंट माना जाता है जिसको हम एग्जीक्यूट करते हैं। एरर वाला जो आपका पेज है उसको आपने इंपोर्ट कर देना है। तो मेरे पास एरर नाम का पेज है, उसके बीच एरर वाला ही एक फंक्शन है, देख लेते हैं उसको नाम क्या दिया है, जे वाला एरर ही है, बस इसी को हम यूज कर रहे हैं, इसको आपने इंपोर्ट कर दिया। अब ये जो डिव है इसके लगाने की जरूरत नहीं है, आपने जितने भी कॉम्पोनेंट है ना आपके पूरे प्रोजेक्ट पे उसको एरर वाले पे ऐसे लगा के पूरे कॉम्पोनेंट इसके बीच रेंडर करनी है, ऐसे जो भी आपका कंपोनेंट होगा, आपका एक नेव बार का कंपोनेंट है तो आपने इसके बीच ही यहाँ पे नेव बार लिख देना, सारे के सारे यहाँ पर आपने रेंडर कर देने। पहले इसको सेव कर देते हैं, सेव, इसको बंद कर दो। अब देखो जी आई एरर, बस यही मैं आपको बताना चाहती थी, जहां पर हम इसको पूरी के पूरी जो भी एरर होगी ना आप अपनी वेब ब्राउजर पे शो करा सकते, जे पॉसिबल होता है क्लास एरर बाउंड्री के साथ। अब यहाँ पे देखो इस पे क्लिक करेंगे, डिटेल्स क्या एरर है अब आप यहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं, डिटेल आपको साथ में दिखेगी। तो आप यहाँ पर अपनी मर्जी है, अगर जे वाला कोड लगाना चाहते हैं, आप इंस्पेक्ट में नहीं जाना चाहते, कंसोल में नहीं जाना चाहते, आप यहाँ पे एरर लगाओ। जे वाला जो सिंबल मैंने क्रिएट किया है, अब यहाँ पे मैं आपको कोड दिखा देती हूँ। एरर इन्फो है, एक तो एरर है कि मेरे पास एरर आएगी, एरर की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आएगी, क्या इन्फो है, ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन है कि एरर है कहाँ पे। और जहाँ पे मैंने एक कीवर्ड यूज किया था, जे वाला प्री रैप है ना, व्हाइट स्पेस प्री रैप, जे वाली चीज है, जे वाला सिंबल बना हुआ है ना, ये देखो ये इसके अंदर रैप करके रखता है अपनी डिटेल को। ठीक है, तो जे वाला अपने आप बन के आ गया, बस यही हमने ऐड किया। मैंने जहाँ पे डिटेल्स कहीं भी नहीं लिखा, डिटेल्स मैंने बस जे वाला यूज किया है, जे वाला के जे टैग है, HTML का टैग है, डिटेल्स जे वाला जो सिंबल है ना जे डिटेल के साथ ही बना हुआ है, लेकिन जो रैप कर रहे हैं ना अपने अंदर इन्फॉर्मेशन को, जे प्री रैप के साथ है, ये वाला प्री रैप मैंने क्लास प्रॉपर्टी क्लास से लगाई हुई है, तो ये अपने आप इसको रैप कर लेगा। इस पर क्लिक करेंगे तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अब आपकी मर्जी है कि आपने यही लगाना है कि नहीं, अब आपने कोई दूसरा कंपोनेंट क्रिएट करना है। अब यहाँ पे मैंने ए लिखा है कि ए डिफाइंड ही नहीं है, तो ये तो मेरे पास हो गया कि हाँ मैंने H1 में लिखा ए, ए नहीं है मेरे पास, तो बोल रहे कि इसको डिफाइंड करो। ठीक है, बटन क्लिक के ऊपर भी आप लगा सकते हैं, मैं जहाँ पे बटन पे क्लिक करूंगी ये वाला हटा दो, ए के बीच हम कुछ भी नहीं लिखेंगे, ये वाला हम हटा देते हैं। अगर हम इसको इवेंट हैंडलिंग भी बोलते हैं कि इवेंट हैंडल कैसे किया जाता है, तो मैं जहाँ पे ये इसको हटा देती हूँ, और ये वाला जो है इस ए को भी हटा देते हैं। बटन क्लिक के ऊपर आपने कोई एरर क्रिएट करनी है तो मैं जहाँ पे A++ से लिख दूंगी, जो कोई बंदा क्लिक करेगा बटन पे तब उसको एरर नजर आएगी। रिफ्रेश करो, ये वाला जो ए है हमने किधर लगाया हुआ है, ये पिछली एरर है इसने होल्ड कर रखी है, इसको हम बंद कर देते हैं।
क्लिक करना है तो यहाँ पर अब एरर दिख रही है। तो ये इवेंट हैंडलिंग है, ये आपको बटन क्लिक करने के बाद नजर आनी है। तो वो वाली जो एरर है क्लिक करने के बाद वो आपको ऐसे ही दिखेगी, आपने क्लिक किया इधर नजर आनी है, क्योंकि जो बाद वाला इवेंट है, जब किसी इवेंट के बिना आप एरर हैंडल करेंगे वो आपको यहीं पे नजर आ जाएगी। अब ये कोई जरूरी नहीं है कि आपने यही कोड लगाना है जो मैंने एरर वाला लगाया है, अब हम जो कोड करेंगे आप वो भी यूज कर सकते हैं। अगर आपको ये सही लगता है कि आपने यहाँ पे एरर दिखानी है तो आप ये वाला कोड यूज करो। इसको हम एरर बाउंड्री बोलते हैं, मतलब बाउंड्री का मतलब है एक बार मैंने कोड क्रिएट कर दिया तो इसको आप चाइल्ड कंपोनेंट में यूज कर सकते हैं। ये सारे इसके चाइल्ड कंपोनेंट होंगे, एक क्लिक हो गया तो दूसरा नेबर हो सकता है, कोई स्लाइडर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सारे के सारे कंपोनेंट यहाँ पर रेंडर कर दिए जाते हैं एरर वाले यहाँ पर पेज पे। तो ये सारे के हर एक कंपोनेंट के बीच ये पूरे का पूरा कोड अप्लाई हो जाएगा। ये तो हमारा हो गया फर्स्ट स्टेप की एरर हैंडलिंग करते हैं एरर बाउंड्री के साथ। अब दूसरे स्टेप पे चलते हैं, इसको हम ऐसा करते हैं, ये वाला कोड तो अब ऐसे ही रहेगा, इसको हम हटा देते हैं यहाँ से, बस ऐप वाले पेज से इसको रिमूव करेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास हैंडलिंग एरर इवेंट्स हैंडलर के बीच है। इवेंट हैंडलर मतलब कुछ भी हमने इवेंट परफॉर्म किया, जैसे जो बटन क्लिक का था ना, ये एक इवेंट हैंडलिंग है। जब कोई बंदा बटन पे क्लिक करेगा उस एरर को हम कैसे हैंडल करेंगे, हम ऐसा करते हैं ऐप डॉट जेएस पेज पे चलते हैं। अब ये वाला एरर बाउंड्री वाला कॉन्सेप्ट खत्म हो चुका है हमारा, वो कोड आपको पता चल गया कैसे लगाते हैं। जहां पे आना है आपने, ये सारा हम कोड हटा देते हैं, ये इसकी जरूरत नहीं है। एक ना हम यहाँ पर क्रिएट करते हैं बटन, बटन के ऊपर मैं क्लिक क्लिक देती हूँ बस। आपने आना है यहाँ पे, ये वाला क्लिक वाला भी हटा देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है। इधर आना है, इसको ना सिंपल हम एक कॉन्स्ट क्रिएट करके हैंडल क्लिक नाम का दे देते हैं। जब कोई बंदा इस पे क्लिक करेगा तो एक फंक्शन परफॉर्म होगा, इवेंट हैंडलिंग होता है जी। ये ज्यादातर ऑन क्लिक के ऊपर ही बनाई जाती है। ऑन क्लिक जहाँ पे एक बनाना है नाम, इसको सेम दो हैंडल क्लिक वाला जो अभी हमने क्रिएट किया है जे वाला, इसका मतलब है जब कोई बंदा इस बटन पे क्लिक करेगा तब कोई फंक्शन परफॉर्म होगा। अब इवेंट हैंडलिंग के बीच, ऑन क्लिक के बीच हम कैसे लगाते हैं एरर हैंडलिंग, तो बेसिकली हम यहाँ पे यूज करते हैं ट्राई कैच। एक जहाँ पे ट्राई होता है, एक जहाँ पे कैच होता है, ऐसे। ये हो गया इसका सिंटेक्स। तो इसको आपने लगाना है ऑन क्लिक के वो फंक्शन के बाद। तो मैं जहाँ पे लिखूंगी ट्राई, इधर क्या लिखेंगे, थ्रो कर दो किसको, न्यू एरर। फिलहाल हम ऐसे ही लगाएंगे, फिर इसको देखते हैं क्या हमारे पास आउटपुट आएगी। तो मैं जहाँ पे एरर लिखूंगी बस इतना ही लिखना है, कैच के बीच मुझे एक एरर होती है, ये वाले ऐसे लिखेंगे कैच, इस वाले ब्रैकेट के बीच एक एरर वाला हम कीवर्ड पास कर देते हैं। इधर मैं लिखूंगी कंसोल में डॉट एरर, एरर का हम कुछ लिख देते हैं, एरर बस अकेला एरर लिख देते हैं या कंसोल एरर लिख देते हैं। जे एक मैसेज है, एक मैसेज ये आएगा, जे वाला एक मैसेज ये आएगा, ठीक है, जब कोई बंदा बटन पे क्लिक करेगा। एक हम अलर्ट लगा देते हैं, अलर्ट के बीच एरर और अलर्ट ऐसे, ये हो गए। पहले तो हम इसको कर देते हैं रिफ्रेश, बाकी हम बाद में देखते हैं, एक एक करके समझेंगे इसको। ये वाला हमें पेज बार बार दिखा रहा है, वो इश्यू नहीं है कोई, बस अब यहाँ पे आया है एरर ऑन अलर्ट, इसको करो बंद। कौन सा कोड चला हमारे पास, जी वाला, जब कोई बंदा इस बटन पे क्लिक करेगा जे वाला फंक्शन परफॉर्म होगा, अगर यहाँ पर कोई भी एरर हुई तो मुझे जे वाली एरर दिखेगी। अब जे वाला कोड हटा देते हैं, मैं जहाँ पे क्या करूंगी ए प्लस प्लस करूंगी, ठीक है, ए प्लस प्लस कर दिया। अब जहाँ पे अगर कोई एरर हुई तो मैं जहाँ पे अलर्ट लिख देती हूँ, पहले हम ऐसे ही रहने देते हैं ए प्लस प्लस, इसको कर दो रिफ्रेश, यहाँ पे करो क्लिक, तो मुझे क्या मिल रहा है एरर ऑन अलर्ट। एरर ऑन अलर्ट मतलब ये वाला कोड चला, ये वाला वर्क ही नहीं किया। ये एरर तब आनी है जब आपका ट्राई वाला कोड वर्क नहीं करा, मतलब जहाँ पे कोई ना कोई एरर है। अगर जहाँ पे मेरे पास मैं सिंपल अलर्ट लगा दूँ, यहाँ पे हेलो लिख देती, इसको बंद कर दो, यहाँ पे मैंने हेलो लिखा है, पहले इसको क्लिक करो। अब जहाँ पे फिर से रिफ्रेश कर देती हूँ एक बार, इसको करो क्लिक, अब जहाँ पे मेरे पास हेलो आ रहा है। अब यहाँ पे कोड कौन सा वर्क किया, जे वाला, क्योंकि मेरे पास इसमें कोई इश्यू ही नहीं है, सब कुछ ओके है, ठीक है। मैं चाहती हूँ जब सब कुछ ओके हो तो जे वाला कोड चले ट्राई वाला, अगर कोई एरर आए तो मुझे जहाँ पे अलर्ट में एरर दिख जाए, एक जहाँ पे मुझे कंसोल में दिखे,
या फिर राइट क्लिक करो। ये एक सबसे बेस्ट तरीका है डिबगिंग का, यही मैं डिबगिंग में करवाने वाली हूँ कि हम कंसोल में जाके एरर देख सकते हैं। ठीक है, अगर आपके पास कोई भी एरर आए तो आप कंसोल में देख सकते हैं। जहाँ पे मैं ए प्लस प्लस कर देती हूँ, यहाँ पे अब एरर आएगी क्योंकि ए मैंने डिफाइन कहीं भी नहीं किया, तो ए में भी ए के बीच एरर आएगी। यहाँ पे इसको बंद करो, क्लिक करो, तो यहाँ पे एरर आ गई। अब यहाँ पे देखो क्या आया, कैच एरर। कौन सा कोड चला मेरे पास? कैच एरर, ये वाला कंसोल वाला कोड चला। एक कंसोल वाला चला, एक मेरे पास अलर्ट वाला चला, दोनों ही आ गई। आपकी मर्जी है, वैसे तो हम दोनों भी लगा सकते हैं कोड, तो आपकी मर्जी है कौन सा लगाना है। अब मेरे पास कैच वाला पोर्शन चला है क्योंकि मेरे पास एरर है, ये वाला कोड वर्क ही नहीं कर रहा क्योंकि ए को मैंने डिफाइन नहीं किया, तो मेरे पास आ गई एरर। एरर दोनों तरफ हो सकती है। इसको हम बोलते हैं इवेंट हैंडलिंग। जब कोई बंदा बटन पे क्लिक करेगा उसके बीच आप ट्राई कैच लगा सकते हैं बस ऐसे। ठीक है, ट्राई कैच हो गया, ट्राई के बीच आपका पूरा कोड आएगा कि आप क्या आउटपुट दिखाना चाहते हैं। हो सकता है मैं जहाँ पे ए इज इक्वल टू 10 कर दू, ए को उसके बाद बी लिख देते हैं, बी इज इक्वल टू 20 कर दिया मैंने, ए को यहाँ पे हम लिख देते हैं ए इज इक्वल टू ए माइनस बी, कुछ ऐसे लिख देते हैं। पहले हम इसको सेव कर देते हैं, इसको डिफाइन भी करना पड़ेगा हमें कॉन्स्ट लगा के। कॉन्स्ट या फिर लेट लगा लो, लेट लगा देते हैं, लेट ए लेट बी, जहां पे ये हो गया डिफाइन। इसको करो रिफ्रेश, यहाँ पे क्लिक करो, तो आउटपुट की भी दिखानी है, सब कुछ ओके है, कोई एरर नहीं आई, मतलब हमारे पास रिजल्ट आ चुका है। आप इसको प्रिंट करा सकते हैं अलर्ट में, अलर्ट में ऐसे जाके ए को ऐसे प्रिंट करा सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास कोड आपका पूरे का पूरा फंक्शनैलिटी जहां पे आएगी ट्राई वाले कोड पे कि आपने ऑन क्लिक के ऊपर कौन सा फंक्शन परफॉर्म करना है, इसको हम बोलते हैं इवेंट हैंडलिंग। अब ये वाला जो कोड है ना, आपको हर एक पेज पे लगाना पड़ेगा, हर एक कंपोनेंट पे। अगर आप जहाँ पे क्लिक वाला कोई वर्क कर रहे हैं तो आपको जहाँ पे भी ट्राई कैच लगाना पड़ेगा, दूसरा कोई ऐप वाले पेज पे कुछ ऐसा है वहां पे भी आपको लगाना पड़ेगा ट्राई कैच। ठीक है, आपकी मर्जी है। अगर आप ये वाला कोड लगाते हैं तो आप एक बार इसको लगा के छोड़ सकते हैं, अब आपकी मर्जी है कैसे कैसे लगाना है। उसके बाद ये जो है ना डिबगिंग क्या होती है, डिबगिंग हम इसको बोलते हैं। डिबगिंग होता है कि आप एरर को हैंडल कैसे करते हैं। डिबगिंग में सबसे बेस्ट ऑप्शन माना जाता है जो कंसोल वाला है, कंसोल वाला पार्ट है ना, इसी को हम डीबगिंग करना बोलते हैं। आप यहाँ पे कंसोल वाला कीवर्ड ऐड कर दो तो आपको सारी की सारी एरर कंसोल में जाकर दिखेगी, यहाँ पे एरर दिखेगी, आपको कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं है। ये ज्यादातर यही यूज किया जाता है कंसोल में। इसको बस आपने ओपन करना होता है, जो भी आपका ब्राउजर है यहाँ पे जाके इसको राइट क्लिक करना होता है, डिबगिंग यही होता है, इंस्पेक्ट करना है। यहाँ पे हमारे पास कंसोल वाला जो कीवर्ड है, जहाँ पर ये वाला क्वेश्चन है, इस पे क्लिक करो, यहाँ पे एरर दिख जाएगी। कुछ भी आपको परफॉर्म करके, जब भी आपने कोई एरर लगानी हो ना, आपने बस कंसोल डॉट लॉग लिखना है या फिर कंसोल डॉट एरर। यहाँ पे आपको बस अलर्ट वगैरह कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट कंसोल लिखो, कंसोल डॉट एरर ही लिखते हैं, लॉग लगाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे एरर लिखना है, एरर एक बना बनाया कीवर्ड है, बस ये जो भी एरर होगी आपको वहां पे दिखा देगा। बस यही था हमारा आज का टॉपिक। ये जो रिएक्ट का हमारा सिलेबस है वो कंप्लीट हो चुका है यहाँ तक। इसके बाद हम देखते हैं एक प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे अब, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।